गोंडा में डॉक्टरों के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल के डॉक्टरों का आरोप है कि पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बीजेपी के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अव्यवस्था के नाम पर सीएमएस और अन्य स्टाफ के साथ बदसलूकी की। इससे नाराज डॉक्टरों ने इमरजेंसी सुविधा के अलावा तमाम सुविधाएं बंद कर दी। प्राइवेट के पैसे ना हो तो वो कहाँ से करवाएगा इलाज? नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं सरकारी गवर्नमेंट वाले इमरजेंसी तक बंद करके बैठे तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? नहीं इमरजेंसी तो खुली हुई, आप इमरजेंसी में गई नहीं? अभी मैं अभी इमरजेंसी चालू है, बोलिए सर इमरजेंसी को बंद करके बैठे तो सारे डॉक्टर यहाँ का कहना इमरजेंसी चल रहा है क्या? नहीं चल रही हमारे वार्निंग, नहीं चल रही इमरजेंसी। भाजपा युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमारे सीएमएस व अन्य मेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी की है। हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, उनके साथ अभद्रता हुई है, जिसको लेके आज हम इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर समस्त पूरी ओपीडी को बंद कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए व चिकित्सालय की समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई।